तो भैया खाना भूख से कम, पानी डबल, वर्कआउट ट्रिपल और हंसना चार गुना हो गए बेटा। वर्कआउट यानी वो कर लिया आपने, कुछ भी कर लिया। और मैं एक दिन एक बात और कह रहा था, मैंने अभी बोला था, जो मोस्टली जाके बोलता हूँ, ये देश है ना आम इंसानों का देश है, आम नहीं वर्ल्ड ही। और इस देश को है ना कोई उद्योगपतियों के या नेता के बेटा बेटी नहीं चलाते। इस देश को आपकी मेरी तरह मध्यम वर्ग के मास्टर का, किसान का, मजदूर का, कुम्हार का, लोहार का, वो बेटा बेटी चलाते हैं। तो बस आप अपने उस जज्बा रखो अपने आप को। जैसे मैं कल बोल रहा था वहाँ पे, मैंने बोला इन बच्चों से बात कर रहा था, अगर आपने अपने आप को पहचान लिया ना, फिर आप दूसरे को ऊंचाई पहचानो ना पहचानो जरूरत है भी। शेर और चीता ताकतवर होते हैं मगर भेड़िया कभी सर्कस में परफॉर्म नहीं करते। तो आप अपनी ताकत पहचानो भैया। बाकी मैं तो बोलूँगा तो ज़्यादा बोलूँगा, बाकी खुश रहो, जो खुश है वही सब कुछ है। और पॉजिटिव रहो, पॉजिटिव रहो, सकारात्मक रखो। देखो मैं एक, अब हम तो दूर की बात है, भगवान कृष्ण थे बचपन में, उनसे माता पिता छूटे, फिर थोड़े से नंदी शोधा मिले फिर वो छूटे, फिर उनके संगी साथी सब छूटे, और तो राधा भी छूट गई, उसका भी साथ छूट गया। मगर उनकी जिंदगी से एक चीज़ नहीं छूटी, वो थी उनकी सकारात्मकता और मुस्कान। और भगवान कृष्ण है ना दुख का प्रतीक नहीं, उत्सव का प्रतीक है। जब वही जिंदगी में वहाँ जाके यहाँ तक रह सकते हैं तो हम तो इंसान है ना। और जिंदगी का जो सबसे खूबसूरत पार्ट है ना वो है जब आप जितना स्ट्रगल कर रहे हो, डिफिकल्टीज हैं, वो जिंदगी का सबसे खूबसूरत पार्ट होता है। अगर राम, भगवान राम अगर जंगल नहीं जाते हुए जा रहे थे, क्या रहते? युवराज राम, राजा राम जब 14 साल जंगल जाके आए ना, तब के आए तो मर्यादा पुरुषोत्तम तो भगवान राम बने। क्या सही बात बोली। तो भैया जिंदगी में जितना स्ट्रगल आए, जितना कुछ आए, उसे घबराना नहीं है, वो फेस करना है और आगे बढ़ना है। और हम सब यहाँ पे याद रखो किराएदार हैं, कोई 2 साल ज़्यादा है, कोई 2 साल कम है। तो बस खुश रहो और इस प्रोग्रेस का मजा लो और यही रखो। नमस्ते, अच्छा लगा सबसे। इतनी अच्छी बात बोली आपने, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। आइए वाईपी सिंह साहब, मुझे दूर दिख रहे हैं, इनकी आदत है हमें। नहीं नहीं यहाँ पे आओ, सामने आओ, संग्राम जी से बात करो आप। अच्छा, अरे यूफ कम, सच अ यंग एंड स्मार्ट लुकिंग, आप सोचेगा कि जो है आप लोग आप। सो हियर फ्रेंड्स, वी आर लकी। अब एक क्लैप फॉर राकेश ओम प्रकाश मेहरा जी। क्या परफेक्ट टाइमिंग है। आई वॉज वरीड, पीपल सेड कि राकेश जी जो टाइम आप दीजिए उस वक्त आते हैं। तो मैंने इनको सुबह मैसेज किया कि आप 4:50 से पहले बताइएगा, मैं जरा बच्चों को बैठा लूंगी। एंड आई सी ही इज हियर ऑन द परफेक्ट, यू नो, सो आई थिंक दिस इज। तो सक्सेस की बात बता रहे थे संग्राम जी, तो सक्सेस में आई थिंक बीइंग पंक्चुअल, ये क्या आपने छुआ और करंट चल रहा, ये कुछ रंग दे पसंद ही हो रहा है। सो आई थिंक फ्रेंड्स आकृति, सो नाउ यू टेक ओवर द माइक। आई वाज जस्ट ट्राइंग टू टॉक टू द स्टूडेंट्स बिफोर वी ऑल गैदर, सो वी नाउ फॉर्मली स्टार्ट द प्रोग्राम। कौशल भाई इधर आ जाओ, कौशल नमस्कार।
There's a husband and wife couple, so I'm going to ask them to decide who comes on the stage. Always the wife. Always the wife, huh? Seriously? Not the husband? My husband is also outside there, so you can come. Come. Thank you, Sandra. And one flowers which are different, but for someone who's. This is the surprise. Who never comes on the stage, but I would like to give him flowers, is my husband. I think publicly he'll take from me. He's always taking my videos. Now that our guests have been invited on the stage, we would love to continue this event by hearing their words. I would now like to give the podium to my co-worker, Neha, who will continue on. The crown is the film Rang De Basanti, a movie that has moved us all. He is the recipient of two National Film Awards for Rang De Basanti and Bhanumara. His documentary film, Bollywood, The Greatest Love Story, was also an official selection at the Cannes 2011. Being a staple at many renowned film festivals, including Venice Film Festival, Rakesh Om Prakash Mehra is known for rooting his stories to social causes. We are honored to welcome the great thinker, Rakesh Om Prakash Mehra ji. I request Advocate Abha ma'am to felicitate Mr. Rakesh Om Prakash Mehra. I have felicitated, but I wanted to give a copy of the book which I bought. Where are the books? I think we will start with this. You would like to come here, please? Let him read it. नमस्कार भैया, जो गेस्ट ऑफ ऑनर हमें बुलाए जा रहे हैं वो हम तो हैं, आप लोग हैं, और आपकी हिम्मत देख के हमें हिम्मत मिलती है। और ईशा से मेरी बात कुछ दो हफ्ते पहले हुई थी और बहुत अच्छा लगा, और ईशा से बात करके ऐसा लगा कि मैं आवाजी से बात कर रहा हूँ। वही जज्बा, वही फियरलेसनेस, एब्सोल्युटली। आवाजी का नाम जब भी जहन में आता है तो मेरे को हमारे ऋग्वेद में कुछ पंक्तियाँ हैं जो याद आती हैं, जो सुब्रमण्यम भारती ने उसका अनुवाद किया था, तो ये आपके लिए आवाजी कि उनके कैरेक्टर को मैं कैसे डिस्क्राइब करूँ बड़ा मुश्किल लगता है, तो लगता है एक फिल्म बनानी पड़ेगी। और अगर आपकी अनुमति हो तो मैं काम शुरू करूँ। समय लगेगा यहाँ, और तो मैं याद कर रहा हूँ वो कुछ ऐसे जाती हैं लाइनें कि समस्त संसार मेरे विरुद्ध खड़ा हो जाए, कलंक और उपहास की मुझ पर वर्षा हो, अस्त्र शस्त्र से व्यू बल मेरे दोस्त ही मुझ पर आक्रमण क्यों ना करे, स्वयं आकाश टूट कर मेरे सर पे गिर पड़े और अपनी जीविका के लिए, दिस इज फॉर यू स्टूडेंट्स, और अपनी जीविका के लिए मैं द्वार द्वार अलग क्यों ना जलाऊं, मेरे हृदय में कोई भय नहीं, कोई भय नहीं, कोई भय।
इंसान से तो डर हो ही नहीं सकता, तो लिखा है मृत्यु किस दिन होनी है, तो इसलिए शायद जो अगर आवा से बेखौफ और निडर है तो सिर्फ वो अपने कर्मों से डरती है। और With such inspiring words, and before I fangirl, I would like to invite my co-worker onto the stage to introduce Suzy ma'am. But Abhaji, it's always a pleasure to share a dais with you during my Women's Commission days. Whenever there was a query, whenever I was in confusion or I wanted some guide to talk to, Abha was the person. She always made sure to side by what is the truth, not necessarily the correct, but fight for the right. आपला बरोबर जे इथे उपस्थित आहेत माझी महिलांना मी आवर्जून अभिनंदन करते की तुम्ही इथे आले आणि आता स्वतः हे तुमचा जे लढा आहे ते मोठा लढा आहे, पण मला अत्यंत आनंद आहे की तुम्ही स्वतःच्या पायावरती उभा राहिला आहात। कारण जोपर्यंत स्वतःच्या पायावरती आपण उभे राहिला नाही ना काही होऊ शकत नाही। म्हणजे तुम्हाला खास खास आवर्जून धन्यवाद आणि अभिनंदन। हमारे बीच में राकेश जी जो आए हैं उनको भी बहुत बहुत नमन मैं कहूंगी। आई रिमेम्बर व्हेन आई सॉ रंग दे बसंती, दैट इंश्योर्ड माय सन व्हेन ही सॉ दिस मूवी, ही इज नाउ 28, ही डिसाइडेड कि फ्रॉम दैट डे ऑन he decided that I'll do something for the nation, and he created his own NGO by the name of Sri Shakti Kendra. Today also he continues to donate 15% towards economic empowerment of women. Sir, you were the reason, you were the cause. So when he sat down, I said, I look up to you. So Rakesh ji, you are the trendsetter, voice of the youth, and I do hope in the near future we see many such movies. It's been long time since we've seen a good movie like Rang De Basanti. We look forward to such movies. I'm here today to speak about women's empowerment, and my dear friend Hina, she also is here today. She also hails from Nepenthe Road. I forgot to mention that I'm also the general secretary of Priyadarshini Park. It's a Priyadarshini Park is a sports complex on the Nepenthe Road. So the word Priyadarshini is very dear to me. I'm a founder of Priyadarshini Taxi Service. मैंने जब ये प्रियदर्शी टैक्सी सर्विस मैंने जब चालू की, इट्स फोकस्ड ओनली ऑन इकोनॉमिक एम्पावरमेंट वुमेन। मैं समझती हूँ कि जब महिलाओं का इकोनॉमिक एम्पावरमेंट होता है, उनकी उन्नति होती है, तो उसका फैमिली भी बदलता है, देश भी बदलता है, समाज भी बदलता है। तो जब तक हम महिलाओं को इकोनॉमिकली एम्पावर ना करें, बात नहीं बनती। अ वुमन नीड्स टू बी हर्ड विल ओनली बी हर्ड इफ शी हैव मनी इन द पॉकेट। If there is no money in the pocket, trust me, ladies and gentlemen, your value is just like a chair or a furniture here. आवाज और ताकत जब आती है, जब लोगों को ये पता चले कि भैया हम भी कमा सकते हैं, हम भी स्मृति हैं, हम भी दिया है, हमें बड़ा आनंद है कि हम किसी की बीवी है, किसी की बेटी है, लेकिन अपने आप में हम सूजी बैंक शाह है, आवा सिंह है और अतिथि है। जब तक ये पुरवार नहीं होता, मैं नहीं समझती कुछ बदल पाएगा। टुडे आई एम हियर एज अ चाइल्ड राइट चेयरपर्सन। मैं इतना ही कहना चाहूंगी कि जब मैंने ये पदभार लिया चाइल्ड राइट कमीशन का, मैंने पहले दिन ये तय किया कि मेरी लड़ाई क्या होनी चाहिए। मेरी लड़ाई ये होनी चाहिए कि बच्चों को अपनी आइडेंटिटी होनी चाहिए, खुद की पहचान, खुद की आवाज, द राइट टू हर्ड, द राइट टू आइडेंटिटी, राइट टू एजुकेशन, राइट टू हेल्थ, राइट टू एनवायरमेंट, राइट टू लव, राइट टू फैमिली हुड। ये सारे मुद्दे लेके हम चलते हैं। मेरा आवाज काफी बड़ा है, मुझे माइक की बहुत कम जरूरत पड़ती है, क्योंकि मैंने सीख लिया 20 साल की सोशल पॉलिटिक्स जिंदगी में मेरी, कि महिलाओं का जब तक आवाज और क्रिस्प वाणी ना हो, कोई सुनता नहीं। इसलिए बहुत जरूरी है बहनों कि अपनी आवाज कड़क, अपनी आवाज प्रखर और अपनी आवाज बुलंद होनी चाहिए। ये तीन का जब कॉम्बिनेशन होता है, फिर अपनी फैमिली क्या, देश का, समाज का, पॉलिटिक्स क्या, सब में आवाज बुलंद होनी चाहिए।
तो मैंने माइक हटा दिया बिकॉज़ आई एम टू लाउड अदरवाइज. But anyway, so coming back to the Child Rights Commission, Nandini mentioned, I'll use the mic and I'll try to be a little soft. Child Rights Commission में हमेशा हमारी लड़त ये होती है कि हम बच्चों को कैसे सुनेंगे. मैंने पदभार लिया, we'll be very happy to say, आभाजी, we came up with the concept of बाल सभा. बाल सभा याने हर वार्ड में, you know what is a ward? Ward is a political constituent which corporator होते हैं, उनका ward होता है. 50,000 की फैमिली होती, 50,000 वोटर्स होते हैं, अप्रोक्सीमेटली 25,000 फैमिलीज. तो जब वार्ड की रचना होती है तो एक कमेटी होती है जहां वो तय करते हैं कि आरा खाड़ा क्या होना चाहिए, वार्ड अपना कैसा दिखना चाहिए. लेकिन कभी को बच्चों को नहीं सुना जाता. तो मुझे बड़ी खुशी है आभाजी दैट वी केम अप विद द कंसेप्ट ऑफ बाल सभा, कि जहां बच्चों को बुलाया जाएगा कि आपको क्या क्या चाहिए आपके एरिया में. दैट्स वन पार्ट. Secondly, we have come up with a concept, I have sent in a directive, every ward, every district comprises of about say 10 wards, at least should have a child rights park. हमें किसी को पता नहीं what are child rights. अभी मुझे ये भी नहीं पता, you are lawyers and I'm sure you'll be knowing about it, I hope so, कि जब एक बच्चों के साथ कोई कुछ दुखद घटना होती है और he or she is violated, हमें क्या पता है कहाँ जाना है. ये क्या पता है हमें कि हर पुलिस स्टेशन में एक चाइल्ड राइट ऑफिसर होना चाहिए, कि हमारी चाइल्ड वेलफेयर कमिटी